आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 हल्दी दूध पीने के फायदे के बारे में, जिसे जानकर यकीन करिए आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर एक पर है पाचन। दूध में कैसीन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट पहुंचाकर पाचन में मदद करते हैं, और साथ ही दूध में विटामिन B12 भी होता है जिसे पाचन के लिए अच्छा माना गया है। नंबर दो, जोड़ों का दर्द। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन कंपाउंड का एंटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव होता है जो जोड़ों और गठिया के दर्द को कम करता है। नंबर तीन, अनिद्रा। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन अनिद्रा की समस्या के साथ ही इससे पीड़ित व्यक्ति की याददाश्त को भी ठीक करते हैं। नंबर चार, कैंसर। रिसर्च के अनुसार हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव होता है जो पेट के कैंसर के खतरे को कम या उन्हें बढ़ने से रोकते हैं। नंबर पांच, हड्डी स्वस्थ। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कि दूध में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसी तरह हल्दी का कर्क्यूमिन कंपाउंड हड्डियों के नुकसान और ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि ये एक प्रकार का हड्डी संबंधी रोग है जिसको बढ़ने से ही रोकने में मदद करता है। नंबर सिक्स, डायबिटीज। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करते हैं, इसीलिए इसे डायबिटीज को रोकथाम करने में बहुत ही उपयोगी माना जाता है। नंबर सात, वजन घटाने के लिए। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन अधिक वजन वालों का वजन नियंत्रित करता है, वही दूध में मौजूद प्रोटीन भूख नियंत्रित करके वजन घटाने में मदद करता है। नंबर आठ, सर्दी और खांसी। हल्दी युक्त दूध में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए यह बहुत ही उपयोगी माना जाता है। नंबर नौ, हृदय स्वास्थ्य। हल्दी का कर्क्यूमिन कंपाउंड में कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्टिव प्रभाव होता है जो हृदय संबंधी समस्याओं से बचाव में मदद करता है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो मधुमेह की वजह से होने वाले हृदय रोग के जोखिम को कम करते हैं। नंबर 10, इन्फ्लामेशन। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन कंपाउंड इन्फ्लामेशन की वजह से होने वाले गठिया और अन्य बीमारी जैसे कि चर्म रोग से बचाव करता है। इसे आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्राकृतिक एस्पिरिन के नाम से भी जाना जाता है जो कि सूजन और दर्द ठीक करता है। नंबर 11, मस्तिष्क स्वास्थ्य। दूध अमीनो एसिड से समृद्ध होता है, ये अमीनो एसिड मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर में परिवर्तित होते हैं। इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से मस्तिष्क सही कार्य करता है और मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। ये गुस्सा आने, मूड खराब होने, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी परेशानी को दूर करता है। नंबर 12, इम्यूनिटी। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन बतौर इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एजेंट का काम करता है, शरीर में मौजूद सभी स्वस्थ कोशिकाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है और इन्हीं स्वस्थ कोशिकाओं के मदद से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनी रहती है। नंबर 13, पीरियड्स का दर्द। हल्दी में एंटीस्पाज्मोटिक प्रभाव होता है जो मांसपेशियों को आराम पहुंचाकर पाचन और मासिक धर्म संबंधी ऐंठन में बहुत ही राहत दिलाते हैं। नंबर 14, डिटॉक्स। तला भुना, मसालेदार या फिर जंक फूड जिसका सीधा असर लीवर पर पड़ता है, इसीलिए बॉडी को डिटॉक्सिफाई यानी कि शरीर में मौजूद विषाक्तता को हटाना जरूरी होता है। ऐसे में हल्दी दूध एक प्राकृतिक लीवर डिटॉक्सिफाई की तरह काम करता है जिससे लीवर की कार्य प्रणाली तेज होती है। नंबर 15, त्वचा स्वस्थ। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन स्किन कैंसर और अन्य संक्रमण से भी बचाव करता है, साथ ही त्वचा पर बुरा प्रभाव डालने वाले बैक्टीरिया से भी लड़ने में मदद करता है। फॉस्फोलिपिड, ये एक तरह का वसा है जो कि क्या करता है, त्वचा की ऊपरी परत यानी कि स्ट्रैटम कॉर्नियम में नमी बढ़ाने या त्वचा की सूजन कम करने में मदद करता है, जिससे कि क्या होता है, त्वचा बेहतर होती है। स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानी को दूर करने के लिए हमेशा दादी नानी के नुस्खे में सबसे पहला नाम हल्दी दूध का आता था। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का हेल्थ से रिलेटेड नया जानकारी आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।